संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम आलू और सूजी के स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। आधा चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर, दो उबले हुए आलू, थोड़े से सूजी और हल्दी पाउडर। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम सूजी डालेंगे। सूजी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं इसको चलाएंगे, इसको ज़्यादा हम कलर चेंज नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा गर्म होने देंगे। प्याज पे इसे हमने रोस्ट किया है, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करा है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, जो कि हमने एक चौथाई चम्मच लिया है। नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, ये हमने आधा चम्मच नमक लिया है। इसको भी मिला देंगे बराबर से। मिर्ची, मिर्ची आप स्वाद के अनुसार या हरी मिर्ची भी ले सकते हैं, हम लाल मिर्ची का यूज कर रहे हैं, इसे भी मिला देंगे। देखिए अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। हम इसको गाढ़ा होने तक चलाएंगे, गैस को मध्य ही रखा है, इसे हम बिल्कुल गाढ़ा होने तक चलाएंगे। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू भी हो गया है, ये देखिए हमारा पूरा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इससे गैस को बंद कर दिया है और इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। निकाल कर इसे रख दिया है और जब तक ये ठंडा होता है, जब तक हम आलू को मैश कर लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें आलू मिलाएंगे जो हमने मैश किया है। मैश किए हुए आलू मिलाएंगे, दो आलू हमने मैश किया है। ये देखिए हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। चलिए हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, गैस पे तेल चढ़ा दिया है, अब हम गैस को ऑन कर देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, जब तक हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। थोड़ा सा हाथ हाथ में तेल लगाएंगे, ऐसे इसको इस तरीके से गोल गोल करेंगे। देखिए इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को बना करके तैयार कर लेंगे। हमारे आलू और सूजी की टिक्की बनकर तैयार है, चलिए तलना शुरू करते हैं। इसकी फ्लेम को मध्य कर दिया है, तेल भी इसको ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हल्का ही गर्म चाहिए। ये देखिए इसमें हम एक एक करके डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, तलेंगे। बीच में हमें इसे एक एक करके पलटते रहेंगे ताकि चिपके नहीं। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से सबको पलट लेंगे। हमने इसे पलट पलट करके अच्छे से सेक दिया है, ये देखिए बढ़िया हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे अब इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारे आलू और सूजी के स्नैक्स बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं।